हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अंजलि कसाना। वेलकम टू माय चैनल म्यूज़िक नेट क्लासेस। मैं आपको एनटीए नेट म्यूज़िक सेकंड पेपर पढ़ाऊंगी और बहुत ही इजी वे में आपको सब समझाऊंगी। आपको सारे नोट्स टेलीग्राम पर अवेलेबल भी कराऊंगी। जो भी नेट के पेपर में इंपॉर्टेंट है, हम वो सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। इसके लिए बस आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे संगीत के ग्रंथों के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे हर बार 2 क्वेश्चंस तो पूछे ही जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट इसकी सीरीज़ होती हैं। सीरीज़ से क्वेश्चन हमेशा आता है कि सीरीज़ बताइए कि कौन सी ग्रंथ किस ग्रंथ के बाद लिखा गया। तो इसे इजी करने के लिए मैंने वीडियो बनाया है जिसमें सारी बुक्स को मैंने सीरीज़ वाइज लगाया है, और आपको इसे पढ़ के बहुत ही अच्छा लगेगा और आसानी से आप इसे याद भी कर सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 4थी शताब्दी के नाट्यशास्त्र के बारे में। इसके लेखक भरत मुनि हैं। यह प्राचीन ग्रंथ है। इसमें 36 चैप्टर्स हैं और इसमें जो अंतिम अध्याय है 28 से 33 तक, उनमें संगीत का पूरा वर्णन किया गया है। इसमें 18 जातियों का वर्णन मिलता है और इसमें षड्ज ग्राम मध्यम ग्राम का भी वर्णन मिलता है। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे हर बार क्वेश्चंस आते हैं। अब 5वीं शताब्दी में दत्तिलम ग्रंथ की रचना हुई। इस ग्रंथ के लेखक भरत के पुत्र दत्तिल हैं। इसमें गंधार ग्राम का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट हम चलते हैं 6वीं शताब्दी में। 6वीं शताब्दी में वृद्धेशी ग्रंथ की रचना हुई। इसके लेखक मतंक हैं और इस ग्रंथ में देशी रागों का वर्णन किया गया है, इसीलिए इसका नाम वृद्धेशी है। राग का सर्वप्रथम प्रयोग वृद्धेशी में ही मिलता है। जहाँ पर भी सर्वप्रथम शब्द का यूज हो तो वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि सबसे पहले इस चीज़ का प्रयोग कहाँ किया गया था। तो सर्वप्रथम राग शब्द का प्रयोग वृद्धेशी में मिलता है और इसमें भरत के नाट्यशास्त्र से आई हुई लगभग सभी बातों का वर्णन किया गया है। फिर बात करते हैं 7वीं शताब्दी में नारदीय शिक्षा ग्रंथ की। इसके लेखक नारद हैं और इसमें 7 ग्राम रागों का वर्णन मिलता है। 9वीं शताब्दी में संगीत मकरंद ग्रंथ की रचना हुई। इसके लेखक नारद हैं और इस ग्रंथ में सर्वप्रथम पुरुष, स्त्री और नपुंसक रागों का वर्णन किया गया। फिर 10वीं शताब्दी में अभिनव भारती ग्रंथ की रचना हुई। इसके लेखक अभिनव गुप्त हैं और इसे नाट्यशास्त्र का टीका भी कहा जाता है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। नाट्यशास्त्र में प्राचीन काल में अनेक टीकाएं लिखी गई हैं, परंतु आज केवल यही टीका उपलब्ध है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। इसमें प्राचीन भारत की नाट्य कला, अभिनय, नृत्य, संगीत आदि विषयों की जानकारी बहुत ही गहराई से दी हुई है। आगे हम बात करते हैं 11वीं शताब्दी सरस्वती हृदयालंकार ग्रंथ की, जिसकी रचना नान्यदेव ने की, जो कि मिथिला के राजा भी थे। अब हम बात करते हैं 1127 से 1134 ईस्वी के बीच अभिलेषार्थ चिंतामणि ग्रंथ की रचना हुई। इसके लेखक सोमेश्वर हैं। फिर संगीत चूड़ामणि ग्रंथ की रचना हुई। इसके लेखक प्रताप चक्रवर्ती या आप जगदेव कमल भी कह सकते हैं, जो सोमेश्वर जी के पुत्र हैं। फिर 1175 में संगीत सुधाकर ग्रंथ की रचना हुई। इसके लेखक महाराज हरिपाल हैं। इस ग्रंथ में हिंदुस्तानी एवं कर्नाटक संगीत का प्रथम बार उल्लेख मिलता है, तो यह इम्पोर्टेंट है। फिर 1180 ईस्वी में संगीत रत्नावली ग्रंथ की रचना हुई। इसके लेखक सोमराज देव या फिर सोम भोपाल आप कह सकते हैं है। 12वीं शताब्दी में गीत गोविंद ग्रंथ की रचना हुई। इसके लेखक जयदेव हैं। यह ग्रंथ संस्कृत में लिखा गया है। इसमें राधा कृष्ण संबंधी प्रबंध गीतों का वर्णन मिलता है। यह ग्रंथ भी बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर 1270 ईस्वी में पंडिताराध्य चरितम ग्रंथ की रचना हुई। इसके लेखक पाल कुरी की सोमनाथ हैं। यह तेलुगु भाषा में लिखा गया है। फिर 13वीं शताब्दी में संगीत रत्नाकर ग्रंथ की रचना हुई, जो कि शारंग देव जी ने की। यह बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इससे बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसमें 7 चैप्टर्स हैं। इनको सप्ताधायी भी कहा जाता है। आगे आने वाले वीडियोस में जो भी कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स हैं, मैं उनके लिए अलग से वीडियोस बनाऊंगी। उनको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे ताकि जो क्वेश्चंस उनसे पूछे जाते हैं वो हम अटेम्प्ट कर सकें।
और आपके लिए वो इजी भी रहे। 13वीं शताब्दी में श्रृंगार हार ग्रंथ की रचना हुई। इसके लेखक महाराणा हम्मीर हैं, जो कि शांक भरी के राजा हैं। इन्होंने प्राचीन रागों के अतिरिक्त याष्टिक के 20 रागों, 15 भाषा जनक रागों, 3 देशी रागों का भी वर्णन किया। 13वीं शताब्दी में संगीत समय सार ग्रंथ की रचना हुई। इसके लेखक पार्श्व देव है, जो की जैन आचार्य भी है। इसमें 10 अध्याय है। इसमें उत्तर भारत में प्रचलित देशी रागों के बारे में बताया गया है। 14वीं शताब्दी में संगीत सार ग्रंथ की रचना हुई। इसके लेखक माधव विद्यारण्य है। इसे दक्षिण संगीत पद्धति का महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। इन्हें मेल पद्धति का प्रवर्तक भी माना जाता है। इन्होंने 15 रागों को चुनकर उन्हें मेल नाम दिया। मेल को उत्तर भारत में थाट कहा जाता है और थाट को दक्षिण भारत में मेल कहा जाता है। 15वीं शताब्दी में राग तरंगनी ग्रंथ की रचना हुई। इसके लेखक लोचन है। इसमें सर्वप्रथम थाट राग पद्धति का वर्णन किया गया है। लोचन ने 12 थाटों में रागों को विभाजित किया है, तो ये भी इम्पोर्टेंट ग्रंथ है। 15वीं शताब्दी में संगीत शिरोमणि ग्रंथ की रचना हुई। इसके लेखक बहादुर मलिक सुल्तान है, जिन्होंने अनेक पंडितों के योगदान से इस ग्रंथ की रचना की। फिर 14वीं शताब्दी में ही रसिक प्रिया ग्रंथ की रचना हुई। इससे गीत गोविंद का टीका भी कहा जाता है। इसके लेखक महाराणा खुम्बा हैं, जो कि मेवाड़ के राजा भी थे। 15वीं शताब्दी में संगीत राज ग्रंथ की रचना हुई। इसके लेखक महाराणा खुम्बा हैं। इसमें भरत मतंग अभिनव गुप्त के सिद्धांतों पर देशी संगीत की कुछ विशिष्ट प्रवृत्तियों पर चर्चा की गई है। नेक्स्ट, 15वीं शताब्दी में मान कुतूहल ग्रंथ की रचना हुई। इसके लेखक राजा मानसिंह तोमर हैं। यह ग्रंथ हिंदी भाषा में लिखा गया है। फिर 1550 ईस्वी में स्वरमेल कलानिधि ग्रंथ की रचना हुई। इसके लेखक रामामात्य हैं। इसमें 5 अध्याय हैं, जिनको प्रकरण कहा गया है। यह दक्षिण संगीत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। फिर 16वीं शताब्दी में सद्राग चंद्रोदय ग्रंथ की रचना हुई। इसके लेखक पुंडरीक विट्ठल हैं। इस ग्रंथ में दक्षिण संगीत पद्धति की छाया दिखाई देती है, क्योंकि इसमें रुद्र वीणा पर रामामात्य के स्वर स्थापना सिद्धांत की पुष्टि होती है। 16वीं शताब्दी में रागमाला ग्रंथ की रचना हुई। इसके लेखक भी पुंडरीक विट्ठल हैं। इसमें रागों को पुरुष राग, स्त्री राग, पुत्र राग की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट, 16वीं शताब्दी में ही राग मंजरी ग्रंथ की रचना हुई और इसके लेखक भी पुंडरीक विट्ठल हैं। इसमें लेखक ने अपने अन्य रागों का वर्गीकरण 20 थाटों के अंतर्गत ही किया है। नेक्स्ट, 16वीं शताब्दी में नर्तन निर्णय ग्रंथ की रचना हुई। इसके लेखक भी पुंडरीक विट्ठल हैं। फिर 1609 ईस्वी में राग विबोध ग्रंथ की रचना हुई। इसके लेखक सोमनाथ हैं। यह दक्षिण संगीत पद्धति का ग्रंथ है और इसमें 75 रागों का वर्गीकरण 23 मेलों द्वारा किया गया है। 1620 ईस्वी में संगीत सुधा ग्रंथ की रचना हुई। इसके लेखक रघुनाथ हैं, जो कि तंजोर के राजा हैं। इन्होंने 15 मेलों को महत्वपूर्ण माना है। 1630 ईस्वी में चतुर्दन प्रकाशिका ग्रंथ की रचना हुई। इसके लेखक वेंकट मुखी हैं। यह ग्रंथ आधुनिक दक्षिण संगीत पद्धति का आधार ग्रंथ माना जाता है। इन्होंने 72 मेल माने हैं और प्रत्येक मेल से 484 रागों की उत्पत्ति को दर्शाया गया है। 1625 से 1630 ईस्वी के बीच संगीत दर्पण ग्रंथ की रचना हुई। इसके लेखक दामोदर मिश्र हैं। यह हिंदुस्तानी संगीत का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। 1650 ईस्वी में संगीत परिजात ग्रंथ की रचना हुई। इसके लेखक अहोबल हैं और इस ग्रंथ में 122 रागों का वर्णन मिलता है और फारसी में इस ग्रंथ का अनुवाद दीनानाथ जी ने किया है। अहोबल ने सर्वप्रथम वीणा के तार पर 12 स्वरों की स्थापना की। 1680 से 17 ईस्वी के बीच संग्रह चूड़ामणि ग्रंथ की रचना हुई। इसके लेखक गोविंद हैं। 17वीं शताब्दी में हृदय प्रकाश ग्रंथ की रचना हुई। इसके लेखक नारायण देव हैं। इस ग्रंथ में स्वर स्थापना का सिद्धांत लेखक ने अहोबल का ही स्वीकार किया है। लोचन की 12 मेल पद्धति इन्होंने भी स्वीकार की है। 17वीं शताब्दी में ही हृदय कौतुक ग्रंथ की रचना हुई। इसके लेखक हृदय नारायण देव हैं। इस ग्रंथ में लोचन राग तरंगिनी और अहोबल की संगीत परिजात की छाया दिखाई देती है, जिसके अंतर्गत रागों को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि 4 भागों में विभाजित किया गया है।
संपूर्ण जाति के रागों को ब्राह्मण, शाड़व जाति के रागों को क्षत्रिय, औड़व जाति के रागों को वैश्य और शेष जाति के रागों को शूद्र कहा जाता है। 17वीं शताब्दी में ही अनूप विलास ग्रंथ की रचना हुई, इसके लेखक भावभट्ट हैं। 17वीं शताब्दी में ही अनूप संगीतकार ग्रंथ की रचना हुई, इसके लेखक भावभट्ट हैं। इस ग्रंथ में कई रागों का वर्णन किया गया है और विभिन्न कलाकारों से प्राप्त प्रचलित रागों और उनके ध्रुव पदों का संग्रह भी दिया गया है। 17वीं शताब्दी में ही अनुपाकुंज ग्रंथ की रचना हुई और इसके लेखक भी भावभट्ट हैं। 17 से 18 शताब्दी की फिर राधा गोविंद संगीत सार ग्रंथ की रचना हुई, इसके लेखक देवर्षि भट्ट ब्रजपाल थे। इसे राजा प्रताप सिंह द्वारा लिखवाया गया था और महाराज ने बहुत से प्राचीन ग्रंथों की देखभाल करके इस ग्रंथ की रचना की। यह ग्रंथ संगीत रत्नाकर का अनुवाद भी कहा जाता है। इसे भी 7 भागों में बांटा गया है। 18वीं शताब्दी में राग तत्व विबोध ग्रंथ की रचना हुई, इसके लेखक श्रीनिवास पंडित हैं। इन्होंने भी परिजात की तरह 12 स्वर स्थान बनाकर अपना शुद्ध थाट आधुनिक काफी थाट के समान निश्चित किया। इस ग्रंथ में वीणा के तार पर स्वरों की स्थापना की गई, इस कारण यह ग्रंथ बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। 1783 ईस्वी में संगीत सारामृत ग्रंथ की रचना हुई, इसके लेखक तंजोर के महाराजा शिवाजी के वंशज महाराजा तुलाजीराव भोसले हैं। इसमें स्वर मूर्छना सप्तक संबंधी पंडित शारंगदेव के विचारों को स्वीकार किया गया है और यह दक्षिण भारतीय संगीत का आधार ग्रंथ भी कहा जाता है। 1783 ईस्वी में राग लक्षणम ग्रंथ की रचना हुई, इसके लेखक तुलाजीराव भोसले हैं। 1813 ईस्वी में नगमाते आसफी ग्रंथ की रचना की गई, इसके लेखक पटना के रईस मोहम्मद रजा हैं। इन्होंने काफी थाट के स्थान पर विलावल को शुद्ध माना, तो इन्होंने विलावल को शुद्ध माना तो इसलिए यह ग्रंथ इम्पोर्टेंट है। इन्होंने राग रागनी के चारों मतों का खंडन किया और एक नई पद्धति की रचना की जो कि हनुमान मत के समान है, जिसमें 6 राग और 36 रागनियां हैं। 1834 ईस्वी में अभिनव तालमंजरी ग्रंथ की रचना की गई, जिसके लेखक अप्पा तुलसी काशीनाथ जी हैं। यह ताल संबंधित ग्रंथ है। इस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद पुरंदधि जी ने किया है। 1910 ईस्वी में लक्ष्य संगीतम ग्रंथ की रचना की गई, जो कि विष्णु नारायण भातखंडे जी ने लिखा था। यह संस्कृत भाषा का ग्रंथ है। फिर अभिनव रागमंजरी ग्रंथ की रचना की गई, जो विष्णु नारायण भातखंडे जी ने की, और यह भी संस्कृत भाषा का ग्रंथ है। 1910 में हिंदुस्तानी संगीत पद्धति, जो कि मराठी भाषा में लिखा गया है, यह भी भातखंडे जी का ग्रंथ है। 1910 से 1934 ईस्वी में हिंदुस्तान संगीत क्रमक पुस्तिका 6, जिसमें 6 भाग हैं, विष्णु नारायण भातखंडे जी ने इसकी रचना की। फिर 19वीं शताब्दी में संगीत तत्वदर्शक ग्रंथ की रचना हुई, इसके लेखक विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी हैं। 19वीं शताब्दी में संगीत बाल प्रकाश ग्रंथ की रचना की गई, जिसके 5 भाग हैं और इस ग्रंथ के लेखक भी पलुस्कर जी हैं। 19वीं शताब्दी में ही राग प्रवेश ग्रंथ की रचना की गई, जिसके 20 भाग हैं, इसके लेखक भी पलुस्कर जी हैं। 19वीं शताब्दी में ही भजनामृत लहरी ग्रंथ की रचना की गई, इसके 5 भाग हैं और इसके लेखक भी विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी हैं। 1911 ईस्वी में मारिफुंत गमात ग्रंथ की रचना की गई, इसके लेखक राजा नवाब अली हैं। यह उर्दू भाषा में लिखा गया है। इसमें ध्रुपद धमार की प्राचीन स्वरलिपियों का संकलन है। 19वीं शताब्दी में ही संगीत शास्त्र ग्रंथ की रचना की गई, इसके लेखक के वासुदेव शास्त्री हैं। इसमें चैप्टर्स को परिच्छेद कहा गया है। इस ग्रंथ को 12 परिच्छेदों में विभाजित किया गया है। 19वीं शताब्दी संगीत राग कल्पद्रुम की रचना की गई, इसके लेखक कृष्णानंद व्यास हैं। इसमें प्रचलित ध्रुपद ख्याल आदि का संग्रह किया गया है, लेकिन बिना स्वरलिपि के तो शब्द बेकार ही कहे जाते हैं। 19वीं शताब्दी में यूनिवर्सल हिस्ट्री ऑफ म्यूजिक ग्रंथ की रचना की गई, इसके लेखक सर सुरेंद्र मोहन टैगोर हैं। इन्होंने राग रागनी पद्धति को स्वीकार किया। 1956 ईस्वी में प्रणव भारती ग्रंथ की रचना हुई, इसके लेखक ओंकारनाथ ठाकुर हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। सो बाय।